दोस्तों, अगर आप बेसिक्स इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं या बिजनेस के बेसिक्स को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप पैसे कमाना सीखना चाहते हैं, आप ये सीखना चाहते हैं किस तरीके से इन्वेस्टिंग से या बिजनेस से पैसे को और भी कई ज़्यादा मल्टीप्लाई किया जा सकता है। आप चाहे जॉब करें या कोई भी काम क्यों ना करें, आप बिजनेस करें, जॉब करें, इन्वेस्टमेंट करें, कुछ भी करें, आपको ये तो सीखना ही चाहिए कि किस तरीके से पैसे को मैनेज किया जाए, पैसे को किस तरीके से ग्रो किया जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पीटर लिंच द्वारा लिखी गई बुक लर्न टू अर्न को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इस बुक समरी से आप समझ जाएंगे किस तरीके से पैसे कमाया जाता है, पैसा कमाने का सही तरीका क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी ट्रेडिशनल तरीके को फॉलो करते हैं। वो लोग वही तरीके फॉलो करते हैं जो पुराने जमाने के लोग फॉलो करते थे, जो कि अब पुराना हो चुका है। आप इस वीडियो में नए तरीके सीखेंगे जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला है दोस्तों, हमें बचपन में ही स्कूल में सिखाया जाता है कि जैसे अकाउंटिंग क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैथमेटिक्स क्या होती है और साइंस क्या होता है। दोस्तों, यहाँ तक कि हमें कुकिंग, ड्राइंग और डांसिंग, सिंगिंग आदि सब कुछ सिखा दिया जाता है, लेकिन हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बिल्कुल भी नहीं सिखाई जाती है, वो है इन्वेस्टमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं निवेश। दोस्तों, हमें स्कूल में बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता किस तरीके से निवेश किया जाता है, इसलिए इस बुक को पीटर लिंच ने लिखा है ताकि वो आपको सिखा सके किस तरीके से आप बिजनेस से या इन्वेस्टमेंट से कमाना सीख सकते हैं। दोस्तों, हम अपने देश की बात तो करते हैं, हम अपने आर्मी की बात करते हैं, लेकिन एक देश को उसका बिजनेस महान बनाता है और भी ज़्यादा पावरफुल बनाता है। दोस्तों, बिजनेस की वजह से ही हमारा जीडीपी बढ़ता है, हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है और इसकी वजह से बाकी लोगों को भी जॉब मिलती है। इस तरीके से बिजनेस के कारण ही हमारा देश और भी ज़्यादा ग्रो करने लग जाता है, लेकिन बहुत से लोग बिजनेस को बहुत ज़्यादा रिस्की मानते हैं, और जो लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा रिस्की मानते हैं। वो लोग कंपनीज ग्रो करेगी या नहीं करेगी इसी सोच में रहते हैं और कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते। दोस्तों, जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसी पैसे से बिजनेस चलता है। दोस्तों, हम किन किन चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर कंपनी होती क्या है। दोस्तों, कंपनी का मतलब कोई बिल्डिंग नहीं है या कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दोस्तों, जब कई लोग एक साथ मिलकर एक बिजनेस करना चाहते हैं तो वो एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको कुछ लीगल पेपर देने होंगे, फीस भरनी होगी, फिर कंपनी अपने आप आपकी बन जाएगी। अब तो और भी ये आसान हो गया है। भारत सरकार ने आधार कार्ड और केवल कुछ डॉक्यूमेंट के जरिए ही आपको कंपनी बनाने की परमिशन दे दी है। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि कंपनी मतलब एक बिल्डिंग या एक ऑफिस होता है, लेकिन कंपनी एक लीगल पेपर का एक फोल्डर है। दोस्तों, लॉ नज़र में कंपनी एक अलग इंसान होता है, जैसे आप और मैं, जैसे गवर्नमेंट उसे भी सजा दे सकती है और उस पर भी फाइन लगा सकती है। इसका मतलब है कंपनी कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, बल्कि वो एक इंसान की तरह ही ट्रीट किया जाता है लॉ के हिसाब से। इसका फायदा ये है कि मान लीजिए आपने एक कंपनी खोली, आपने उस कंपनी में $1,000 इन्वेस्ट कर दिए, कल से उस कंपनी में कोई गलती हो जाती है तो केस कंपनी के ऊपर होगा, आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है और जो कुछ भी हुआ है वो कंपनी के नाम पर हुआ है, आपके नाम पर नहीं हुआ है। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े पैसे का नुकसान हो सकता है, पर वहीं आपके कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और जिसके लिए आपको बिल्कुल भी भरपाई नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, गवर्नमेंट आपके पर्सनल एसेट जैसे घर, गाड़ी, गोल्ड आदि बिल्कुल भी नहीं ले सकती, क्योंकि ये कंपनी बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी लाइबिलिटीज लिमिटेड होती है, यानी आप उतनी ही चीज़ों के लिए लाइबल है जितनी आपने इन्वेस्ट की है, इसलिए कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड शब्द लगाया जाता है। जब अब टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में जानते हैं। कंपनी दो प्रकार की होती है। पहला है प्राइवेट कंपनी। दोस्तों, प्राइवेट कंपनी उसे कहते हैं जिसमें आम पब्लिक पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्राइवेट कंपनी में हिस्सा चाहिए तो एक ही रास्ता है, आपको ओनर से शादी करनी पड़ेगी। और दूसरा है पब्लिक कंपनी। दोस्तों, ये वो कंपनीज होती है जिनके शेयर मार्केट में
शेयर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। इनके शेयर्स कोई भी खरीद सकता है, चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, या आप किसी भी लोअर क्लास या अपर क्लास से आते हो। आपके पास अगर पैसे है, उतना सफिशियंट मनी है, आपके पास उतना कैपिटल है, तो आप जो चाहे वो शेयर खरीद सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो लीगली हम कंपनी के मालिक बन जाते हैं। इसका मतलब है हम कुछ परसेंटेज के पार्टनर बन जाते हैं, जितने परसेंटेज हमने शेयर खरीदे होते हैं। बेशक छोटे से ही सही, लेकिन मालिक जरूर बनते हैं। हम अपनी पसंद की किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, बस हमारे पास उतने कैपिटल होने चाहिए। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है द बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि ज़्यादातर लोग जिंदगी में काफ़ी लेट इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उनका ये कहना होता है कि अभी जॉब ही नहीं लगी है, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी को पूरा ही नहीं कर पाता, अभी मैं इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकता। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला लेसन है कि हमें सेविंग्स की शुरुआत करनी होगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़का राम है, जिसकी अभी नई नई जॉब लगी है, जिसे लोगों को दिखाना है कि वो अमीर बन चुका है। वो सोचता है अब क्यों ना एक अच्छी सी 20 लाख की, 30 लाख की गाड़ी ले लिया जाए, और वो इसे खरीदने के लिए बैंक से लोन लेता है, कार लोन लेता है, और जितने भी अपने सारे सेविंग्स हैं उनको लगा करके एक कार खरीद लेता है, और फिर उस कार लोन हर साल पे करते रहता है। इस तरीके से वो कई सालों तक उस कार के लोन को इंस्टॉलमेंट में पे करते रहता है। और शुरू शुरू में राम जब भी अपनी नई गाड़ी कहीं पार्क करता है तो लोग वाह वाह करते हैं, लेकिन 5 सालों के बाद में या 10 सालों के बाद में वो गाड़ी पुरानी होने लग जाती है, जिसके कारण लोग अब उस पर ध्यान भी नहीं देना चाहते, और वही राम लोन के चक्कर में पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। वो 6 लाख या 7 लाख से भी ज़्यादा रुपए एक गाड़ी पर खर्च कर चुका है, और वही 20 साल के हिसाब से उस गाड़ी का टोटल खर्च 26 लाख हो चुके हैं। दोस्तों, अगर वो मार्केट से वही गाड़ी ना खरीदता और वही उसे इन्वेस्ट कर देता तो वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाता। वहीं दूसरे उसके एक दोस्त की बात करते हैं। दूसरा दोस्त है दिनेश। दिनेश नाम के एक दूसरे समझदार लड़का है, जो बिल्कुल भी कोई हाई पेइंग जॉब पर नहीं है, बल्कि वो भी राम के साथ ही सेम जॉब करता है। और दिनेश ने भी सेकंड हैंड गाड़ी ली, क्योंकि उसे पता था कि नई गाड़ी लेने के लिए लोन लेना पड़ेगा और वो उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता। इसलिए दिनेश ने मात्र ट्रांसपोर्ट के लिए या अपनी सुविधा के लिए एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीद ली। गाड़ी पर उसे कोई डेंट या कोई स्क्रैच लगने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो सेकंड हैंड गाड़ी थी। वो अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट कर रहा था। फिर एक ऐसा समय आया जब दिनेश ने अपना खुद का घर खरीदा। उसने अपने घर के 2 फ्लोर को रेंट पर दे दिया, फिर हर महीने पेसिव इनकम कमाने लगा। दोस्तों, पेसिव इनकम वो होती है जिसमें किसी भी इंसान को एक्टिवली कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी उसकी कमाई होती रहती है। अब दिनेश जो अपनी सैलरी के साथ रेंट भी ले रहा है, यानी कि वो समझ गया है पैसों से और ज़्यादा पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, यानी अपने पैसों का सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, दिनेश अच्छे तरीके से सीख चुका है। चलिए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा है दोस्तों, 5 बेसिक्स इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, एक बात आपको जरूर समझना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होता है। आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो 5 पैसे इन्वेस्टमेंट करने के 5 ऑप्शंस आपको समझ लेना चाहिए। पहला ऑप्शन है सेविंग अकाउंट। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसे हम में से ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। इसमें हर महीने हम कुछ पैसे बैंक में डालते हैं, बैंक उन पैसों को दूसरों को लोन देने में इस्तेमाल करती है। लोन पर दिए गए पैसों पर बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, उससे कुछ कम इंटरेस्ट हमें देती है। यानी आप पैसे सेव करके उन पैसों से और पैसा कमा सकते हैं। सेविंग्स करने का हमारा मकसद होता है हम कम से कम इन्फ्लेशन को तो बीट कर सके, यानी महंगाई को। इसे हम एग्जाम्पल से समझ लीजिए लेते हैं। मान लीजिए कि आज आपने बैंक में 6% के हिसाब से 100 रुपये जमा किए, और एक साल के बाद में आपको 106 मिलेंगे, यानी कि आपका इंटरेस्ट रेट 6% है। लेकिन बेड लक की वजह से उस साल अगर इन्फ्लेशन आ जाता है, और 6% ही आपका इन्फ्लेशन भी रहता है, यानी कि जो सामान आज आप 100 रुपये में खरीदना चाहते थे वो एक साल बाद भी 100 रुपये में ही मिलेगा, और वहीं आपका पैसा जो आपने लगाया है वो पूरी तरीके से लो वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि आपका जो भी
रियल रिटर्न है वो 0% हो जाएगा, यानी आपका पैसा आपके लिए कुछ भी कमा नहीं सका। दोस्तों इन्वेस्टमेंट इन कलेक्टिव ये दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट इन कलेक्टिवल। इसका मतलब ये होता है कि किसी ऐसी चीज़ को खरीदना जिसके लिए फ्यूचर में लोग सबसे ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाए। एग्जाम्पल के लिए पुराने सिक्के, जैसे कोई एंटीक आइटम, कोई पेंटिंग या कोई भी ऐसा विचित्र चीज़ जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल आगे टाइम में हो सके। दोस्तों जब हम इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं तो हम सोचते हैं आने वाले समय में लोगों को ज़्यादा अपील करेगी, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग या लियोनार्डो दा विंची की बनाई गई द लास्ट सफर। दोस्तों लोग हमें उसके लिए ज़्यादा पैसे देंगे, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है, हो सकता है कि ये सम्मान टूट जाए या जल जाए या फिर वो चीज़ चोरी हो जाए। ऐसी सिचुएशन में हमारी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो हो जाएगी, हमें कोई भी फायदा नहीं होगा। चलिए तीसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करते हैं। तीसरा है दोस्तों हाउस एंड अपार्टमेंट, फ्लैट्स या प्लॉट्स। दोस्तों ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट इसे कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें हम अदर पीपल मनी ओपीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दूसरों के पैसे को यूज़ करके अमीर बन सकते हैं। जिसका मतलब है कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए लोन मिल जाता है। इसमें अक्सर लोग घर की पूरी कीमत का सिर्फ 20% डाउन पेमेंट अपनी जेब से खर्च करते हैं, बाकी का 80% लोन से ले लेते हैं। ज़्यादातर लोगों का घर में इन्वेस्टमेंट करने का मकसद ये होता है कि उसे रेंट पर दे सके, जिससे उनकी रेंटल इनकम इतनी हो जाए कि वो लोन की इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा हो, ताकि उनकी जेब से लोन का 1 रुपये भी खर्च ना हो। देखा जाए तो उसे ये प्रॉपर्टी 20% जो उसने डाउन पेमेंट पर दिया था उस पर मिल चुकी है। इतना ही नहीं, लोन चुकाने के बाद भी उसे उस घर से रेंटल इनकम मिलती रहेगी, यानी जिंदगी भर के लिए पेसिव इनकम। इसके साथ ही जब जब उसके घर की कीमत बढ़ेगी उसकी रेंट वर्थ भी बढ़ती जाएगी। चलिए चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है बॉन्ड्स। दोस्तों बॉन्ड्स का मतलब होता है एक कागज का टुकड़ा जो ये कहता है कि आपने किसी को लोन दिया है, जिसे आपने लोन दिया है वो कब और कितने समय तक आपको पैसे वापस कर देगा, क्योंकि सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट बॉन्ड्स में मिलता है, इसलिए लोग बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट से लेकर के पब्लिक कंपनी सब हमें बॉन्ड्स बेचती है, यानी हमें लोन देती है। अगर हम रिस्क लेने से डरते हैं या हम सिक्योर माइंडसेट के हैं तो हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, क्योंकि बैंक की तरह ही इनके पीछे भी गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है। दूसरा ऑप्शन है पब्लिक कंपनी से बॉन्ड्स लेना। दोस्तों सबके मन में ये डाउट होता है कि अगर हमने किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे फिर वह कंपनी ही बंद हो गई तो क्या होगा। इस केस में हमारे पैसे तब भी सिक्योर होते हैं, क्योंकि अगर कंपनी का दिवाला निकल जाता है या कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है तो इस कंपनी के एसेट्स को नीलाम कर दिया जाएगा और नीलामी से जो पैसा मिलेगा वो बॉन्ड्स होल्डर को सौंप दिया जाएगा। दोस्तों इसके बाद में शेयर होल्डर को भी दे दिया जाएगा। हमारी इन्वेस्टमेंट तब रिस्क में होती है जब कंपनी के सारे एसेट्स को बेचने के बाद में इतने पैसे इकट्ठे नहीं होते कि बॉन्ड्स होल्डर के पैसे चुकाए जा सके। इस वजह से कई लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स ही लेना पसंद करते हैं। पांचवे ऑप्शन की बात करते हैं जो बहुत मोस्ट वैल्यूएबल है, मोस्ट एसेंशियल है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कई लोग स्टॉक्स, यानी पांचवा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है स्टॉक। दोस्तों कई लोग स्टॉक्स यानी शेयर को ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानते हैं, क्योंकि इसकी रखवाली हमें बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में कंपनी जितने परसेंटेज चाहे उतने परसेंट से ग्रो कर सकती है, हमारी वेल्थ भी उतने ही परसेंट से ग्रो कर सकती है जितने परसेंट से कंपनी ग्रो करती है। इसमें इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि हमें उस कंपनी में कोई भी काम ही नहीं करना पड़ता, हम उस कंपनी से अलग होकर के भी उसके ग्रोथ में अपना पैसा लगा करके अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जो कंपनी के बॉन्ड होल्डर्स होते हैं यानी उन्होंने कंपनी को लोन दिया है, उन्हें बस उतने ही पैसे दिए जाते हैं जितना उस बॉन्ड्स सर्टिफिकेट में लिखा होता है। फिर वो कंपनी चाहे चलकर आगे चलकर चाहे माइक्रोसॉफ्ट बन जाए, रिलायंस बन जाए, एप्पल बन जाए या ऐसी कोई भी बड़ी कंपनी क्यों ना बन जाए, उससे बॉन्ड होल्डर को सिर्फ उतना ही पैसा मिलेगा जितना उनके बॉन्ड्स में लिखा होता है। और वही शेयर होल्डर उस कंपनी के ग्रोथ का पूरा मजा उठाते हैं, यानी अगर कंपनी 20 गुना बढ़ेगी तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी 20 गुना हो जाएगी। अगर हमें इन्वेस्ट करना शुरू करना है तो ऐसा नहीं है कि हमें करोड़पति होना है या लखपति होना है, आप
100 रुपए या 200 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी शुरुआत आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका शेयर प्राइस आजकल बहुत सही चल रहा है, जिसका शेयर प्राइस आप आसानी से खरीद सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर हम ये भी नहीं करना चाहते तो हम किसी कंपनी को ट्रैक करना शुरू कर सकते हैं, फिर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़कर ये इमेजिन कर सकते हैं कि हमने उसके शेयर खरीद लिए हैं। अब हमें ये देखना होगा कि क्या यह लॉन्ग टर्म में उस कंपनी को उतार चढ़ाव के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। दोस्तों, यानी हमारा इमेजिनरी शेयर की वैल्यू बढ़ रही है या नहीं। दोस्तों, जब हमें कुछ 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 अंदाजा होने लगे तब हम सच में शेयर खरीदना शुरू कर सकते हैं। जब लोगों को शेयर्स में नुकसान होता है तो ये शेयर्स की गलती नहीं होती, बल्कि उनमें गलती शेयर्स खरीदने वाले की होती है। क्योंकि जितना वक्त हम एयर कंडीशनर को खरीदने में लगाते हैं उतना वक्त हम किसी कंपनी के शेयर खरीदने में नहीं लगाते हैं। जल्दबाजी में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। दोस्तों, छठवां इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, अगर हम खुद अपने पैसों को इन्वेस्ट करना नहीं चाहते तो ऑथर कहते हैं, पीटर लिंच ऑथर कहते हैं कि हम म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट होता है जिसे फंड मैनेजर कहा जाता है। इसका काम होता है मार्केट में अलग अलग कंपनी को स्टडी करना और ये देखना कि कौन सी कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है। म्यूचुअल फंड्स में कई लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, आपने 1 लाख दिए, मैंने 2 लाख दिए। अब फंड मैनेजर इन सारे पैसे को कई अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है। अगर ये सारे कंपनियां ग्रो करती है तो ये सारा प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को उनके लगाए गए पैसों के हिसाब से दे दिया जाता है। इसी तरीके से अगर लॉस होता है तो ये भी इन्वेस्टर को ही सहन करना पड़ता है। अब क्योंकि फंड मैनेजर हमारे लिए काम करता है तो वो हमसे इसके लिए कुछ कमीशन लेता है, जिसे एक्सपेंसेस रेशो कहा जाता है। दोस्तों, चलिए अब टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। दोस्तों, अगर हमें इन्वेस्ट करने में मज़ा आ रहा है तो हम शेयर्स खरीद सकते हैं। पीटर लिंच कहते हैं कि इसके लिए हमें MBA करने की ज़रूरत नहीं है या कोई बड़ा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। एक आम आदमी भी अपने लिए शेयर ढूंढ सकता है, यहाँ तक कि वो किसी फंड मैनेजर से ज़्यादा रिटर्न भी कमा सकता है। पीटर लिंच कहते हैं कि जो लोग खुद इन्वेस्ट करते हैं उन्हें 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है डॉट्स इन्वेस्टर। ये वो लोग होते हैं जो गेस मारते हैं, यानी तुक्का मारते हैं। इन्हें कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, यही पता नहीं होता कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से है, लेकिन फिर भी ये शेयर खरीद लेते हैं। और सिर्फ ये सोचकर, जिस तरीके से लोग लॉटरी खरीदते हैं, वो लोग शेयर ये लोग शेयर खरीद लेते हैं। और इन्हीं लोगों को शेयर में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। इन्हीं की वजह से लोग शेयर मार्केट के साथ नेगेटिव इमोशंस जोड़ देते हैं। दूसरे टाइप है दोस्तों, दूसरे टाइप ऑफ इन्वेस्टर है हॉट टिप्स इन्वेस्टर। ये लोग पार्टी में आए हुए मेहमानों से, दोस्तों से या किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट लोगों से टिप्स लेते रहते हैं। हर जगह वो अपने टिप के बारे में बात करते रहते हैं। वो किसी भी कंपनी को ना तो अच्छे से समझते हैं और ना ही उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। वो बस बाकी लोगों के टिप्स के हिसाब से ही शेयर खरीदने लग जाते हैं। दोस्तों, इस तरीके के लोग भी हमेशा दूसरों के भरोसे ही रहते हैं, और जो दूसरों के भरोसे रहता है वो बहुत जल्दी ही बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, तीसरा इन्वेस्टर का टाइप है एजुकेटेड इन्वेस्टर। दोस्तों, इसमें ये टीवी पर बोलने वाले लोगों की टिप्स को सुनते हैं। इसका मतलब है ये एजुकेटेड तो है, लेकिन ये सिर्फ न्यूज़ चैनलों से या किसी वेबसाइट पर लिखे गए आर्टिकल से ही इफेक्ट होते हैं। दोस्तों, ये लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। जिस तरीके से इनके पास इंफॉर्मेशन आती है, उन्हीं चीज़ों को सुन करके या उन्हीं खबरों को सुन करके ये लोग जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, जिनके कारण इनका भी कुछ पैसा डूब जाता है। दोस्तों, चौथा प्रकार का इन्वेस्टर है ब्रोकर टिप्स इन्वेस्टर। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो ब्रोकर से ही टिप्स लेते हैं या उन्हीं के डिसीजन पर चलते हैं। दोस्तों, ब्रोकर जब आपसे कहता है कि मैंने कंपनी को एनालाइज किया हुआ है तो इन कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए, आपका पैसा डबल हो जाएगा। हो सकता है आपका ब्रोकर इंटेलिजेंट हो, उसने सच में कंपनी को एनालाइज किया हो, लेकिन ब्रोकर तो कमीशन बेसिस पर काम करता है। यानी वो उन स्टॉक्स को खरीदने के लिए कहेगा जिससे ना तो आपको फायदा है और ना ही आपके साथ इन्वेस्ट करने वाले दूसरे लोगों को, बल्कि सबसे ज़्यादा फायदा उस ब्रोकर को होना चाहिए जिसमें उसको ज़्यादा फायदा मिले। इसी कारण
अगर आप ब्रोकर से टिप्स लेकर के इन्वेस्ट करते हैं तो इस तरीके से भी आप अपना फायदा ना करवा करके सिर्फ ब्रोकर का ही फायदा करवाते हैं। पांचवे टाइप का इन्वेस्टर है डूइंग ओन रिसर्च इन्वेस्टर। दोस्तों ये इन्वेस्टर सबसे अच्छा होता है क्योंकि ये खुद अपनी समझ से कंपनी को स्टडी करता है, फिर अपनी तसल्ली के बाद ही इसमें पैसे इन्वेस्ट करता है। ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टर होते हैं। अगर आप एक बेसिक इन्वेस्टर भी है लेकिन इस कैटेगरी में आते हैं तो आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकते हैं। आपके हाई चांसेस होते हैं कि आप सक्सेसफुल होंगे, आपका पैसा ग्रो करेगा। दोस्तों इस तरीके से पीटर लिंच ने हमें पांच प्रकार के इन्वेस्टरों के बारे में बताया। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि आप किस तरीके से बिजनेस को मैनेज करें, किस तरीके से बिजनेस से पैसे बनाए जाते हैं, तो इस बुक समरी को बार बार सुनिए। और अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं लर्न टू अर्न बाय पीटर लिंच, तो आप इसे किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से खरीद सकते हैं। आप इसे डिजिटली ई बुक के फॉर्म में या फिर फिजिकली बुक के रियल फिजिकल बुक के फॉर्म में भी खरीद सकते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप इसी बुक समरी को बार बार सुन सकते हैं। आप जितनी ज़्यादा बार सुनेंगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपको सारे चीज़ें एक तरीके से आपके माइंड में बस जाएगी, आपको कंठस्थ हो जाएगी कि कौन सा चीज़ किस तरीके से काम करता है। अगर आपको भी ये पसंद आया, ये ऑडियो पूरी तरीके से पसंद आया, ये बुक पसंद आया, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करें। बहुत सारे प्लेलिस्ट है जिसमें बहुत सारे फाइनेंशियल एजुकेशन दिया गया है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया गया है और किस तरीके से आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने करियर को सिलेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत सारे फाइनेंशियल लेसन्स को एक्सप्लेन किया है, उसके बारे में भी आप हमारे प्लेलिस्ट से समझ सकते हैं। धन्यवाद।